कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। आज हम बना रहे हैं सैलेड, और सैलेड बनाने के लिए मैंने ले लिया एक खीरा, गाजर, टमाटर, प्याज, चुकंदर, पोटैटो और एक लेमन। अच्छे से सारी चीजों को छील लें और धो लें। नेक्स्ट हम लेंगे अमेरिकन कॉर्न्स। ये क्वांटिटी आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और नेक्स्ट लिया है हमने स्प्राउटेड मूंग दाल। मूंग दाल को स्प्राउट कैसे करें इसकी वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। इनको मैंने घर पे ही स्प्राउट किया है। अब ले रहे हैं हम एक वाटरमेलन का शेल। मैंने वाटरमेलन को लिया और सेंटर से कट कर दिया, बीच में से पल्प पूरा हमने निकाल लिया। और ये शेल जो है मैंने फ्रीजर में रख दिया ताकि इसकी शेप खराब ना हो। ये देखिए अभी भी इसके ऊपर आइस लगी हुई है। अगर हम इसको बाहर रखेंगे तो स्मेल भी आने लगेगी और इसकी शेप भी खराब हो जाएगी। तो अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि इसको फ्रीजर में रखिए। तो नीचे से राउंड है इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है। उसको सेट करने के लिए हम एक नीचे कटोरी रख देंगे। एक बड़ा बाउल लेंगे, हमने जितने भी इंग्रेडिएंट यूज करने हैं उनको कट कर लिया। आप चाहे तो चॉप कर लीजिए या फिर ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कटिंग करी है। खीरा डाल देंगे सबसे पहले, साथ ही डाल रहे हैं पोटैटो। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गाजर। आप चाहे तो इकट्ठा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ कि ये टमाटर है, लेकिन टमाटर का मैंने सिर्फ आउटर पार्ट लिया है, मैंने सीड्स के निकाल दिए हैं। नेक्स्ट ले रहे हैं चुकंदर, क्योंकि सीड्स आते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा जो जूस है वो भी आ जाता है, तो सैलेड में पानी आता है। ये है प्याज, मैं प्याज में ऐड नहीं कर रही हूँ। जिसको खाना होगा वो अलग से ऐड कर लेगा। हमारी फैमिली में कुछ लोग नहीं खाते हैं। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं स्प्राउटेड मूंग दाल। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अमेरिकन कॉर्न्स। अगर कोई भी चीज इसमें से आपको लगता है ऐसा कि आप नहीं लाइक करते हैं, और फैमिली में इतने लोग होते हैं, कोई कुछ नहीं खाता तो कोई कुछ नहीं खाता, तो आप उसके लिए सेपरेट रख दीजिए और उसको बाद में जिसको चाहिए वो अलग से अपनी सैलेड में मिक्स कर सकता है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें आधा चम्मच काला नमक। काला नमक से टेस्ट अच्छा आता है और डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छे है। अब इसमें डाल दिया हमने आधा चम्मच चाट मसाला। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, काली मिर्च। ये सारी चीजें बहुत ही लाइट होती हैं, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये चीनी मैंने घर पर ही पीसी है। चीनी से जो है टेस्ट खट्टा मीठा आएगा। यहाँ पे डाल रहे हैं हम इसमें लेमन, लेकिन आधा ही लेमन डालूंगी क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें चाट मसाला डाला, तो खट्टापन चाट मसाले में होता है। अगर हम ज्यादा डाल देंगे तो बहुत ज्यादा खट्टा हो जाएगा। तो अगर आप लाइक करते ज्यादा खट्टा तो आप पूरा भी डाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको टेस्ट कैसा चाहिए। तो चीनी मैंने आज ऐड करी है, इससे बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा अलग ही टेस्ट आएगा। सारी चीजों को अच्छे से टॉस कर लेते हैं। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमने वाटर शेल को ले लिया। यहाँ ध्यान रखिए जब भी आप प्लेटिंग करने लगे इस तरीके की, तो डायरेक्ट उसी वक्त आप फ्रीजर से निकालिए। तो लीजिए अब इसको हम पूरा फिल कर लेंगे। और सेंटर में हमने जो हाफ लेमन रखा था इसको भी रख देंगे। जिसको जरूरत है वो अपनी सैलेड में ऐड कर सकता है। तो लीजिए कितनी जल्दी तैयार होगी हमारी ये एक बहुत ही अच्छी सैलेड। आप इसको किसी भी तरह से खा सकते हैं, जैसे कि आप स्नैक्स के रूप में खाइए या फिर आप खाने के साथ खाइए। और ये बहुत ही हेल्दी होती है, वेट लॉस होता है इससे। तो मेरे को तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपनी फैमिली को इसी तरह बनाकर खिलाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे। तो मिलती हूँ मेरी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।